हेलो एवरीवन, तो आगे हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। इसके फोर पार्ट्स हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च मोस्टली कंडक्टेड की जाती है नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। इसको हम एकेडमिक यूज़ भी बोल सकते हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो मोस्टली एकेडमिक रिसर्च भी कही जाती है। बेसिक रिसर्च हमेशा कंट्रीब्यूट करता है सोशल वर्ल्ड को, और ये फोकस रहता है सपोर्टिंग थ्योरीज़ को जो समाज से संबंधित होती हैं। इसमें न्यू आइडियाज़ और थ्योरीज लागू होते हैं, न्यू नॉलेज और न्यू मेथड्स यूज़ करते हैं। इससे हमारे नॉलेज में, ज्ञान में इजाफा होता है, और ये किसी एक्शन को प्रभावित भी नहीं करता है, ओनली एकेडमिक यूज़ ही होता है। और ये हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किसी डेवलप्ड कंट्री में मान लीजिए कि उनका जो प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, और उनका रिलीजन, अगर हम ये टॉपिक लें कि किसी डेवलप्ड कंट्री में उनका व्यवसाय और उनका रिलीजन से आपस में कनेक्शन है, तो वहाँ पे जो रिसर्च करेंगे तो उसको सोच के, अगर हम ये कहें कि हम इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कि हम इंडिया में भी करके देखते हैं ये रिसर्च इस टॉपिक पे, कि भी यहाँ पे धर्म और जो व्यवसाय है उसका आपस में क्या कनेक्शन है, तो इस तरह की जो रिसर्च होती हैं वो बेसिक रिसर्च कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च भी कह सकते हैं, मतलब कि इसमें इमीडिएटली एक्शन लेना होता है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि COVID-19 में बार बार बहुत ही रिपीटेडली रिसर्च हुई थी। वाई? बिकॉज उसमें बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन चाहिए था प्रॉब्लम का, कि भी जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन आए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, क्योंकि इसमें अप्लाइड रिसर्च में जो रिसेंट की जो पॉपुलर या ज्वलंत समस्याएँ होती हैं उन्हीं को उठाते हैं, इसीलिए इसको एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये बोला जाता है कि जो जिन फीमेल्स की हाइट कम होती है उनको सी सेक्शन से गुजरना पड़ता है, तो अगर हम इस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हम पाएंगे कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा उससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि भी अगर ऐसा कुछ है तो जो जिनकी हाइट कम होती है उसके लिए मेडिकल हेल्प या फिर जो मेडिकल जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाएँ, और मेंटली उनको प्रिपेयर किया जाए ताकि उन पर मेंटली ये प्रेशर ना रहे कि भी हमारी हाइट कम है और हमें सी सेक्शन से गुजरना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, जो अगर इस तरह का हम टॉपिक लेके जो उसका रिजल्ट आएगा उससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी समाज को। द नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है, इसका मतलब है कि जो हमें जो प्रॉब्लम है उसको समझना है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या सोल्यूशन सर्च कर सकते हैं। देखिए, जब हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट इन ट्रू सेंस। प्रॉब्लम मीन्स ये एक डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं, एक डिलीमा है जिसको नीड टू टैकल है, पर्टिकुलरली हमें इसको टैकल करना है किसी भी मतलब बिजनेस सिचुएशन में। इट कुड बी डिफ़िकल्टी और एन अपॉर्चुनिटी, ये डिफ़िकल्टी भी बोल सकते हैं इसको और एक अपॉर्चुनिटी भी, ताकि हम सोल्यूशन को जल्दी से जल्दी सर्च कर पाएँ। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रेवेन्यू ऑफ जो मोबाइल कंपनी का है वो पिछले साल से मान लीजिए डिक्रीज़ हुआ है 25%, तो इसके कॉज क्या है, यानी कि इस प्रॉब्लम के जो कॉजेज़ हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। सपोज़ करते हैं कि कॉजेज़ हैं पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ही पुअर है, या फिर उसकी जो लैक ऑफ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है कि वो मिल ही नहीं पा रहा है कंटिन्यूसली, जब ज़रूरत होती है कस्टमर को तो वो नहीं मिला, तो फिर धीरे धीरे जो कस्टमर है वो उसे दूर हटते जाएंगे। नॉट सो इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कम्पेन, इसकी जो एडवर्टाइज होती है, जो एडवर्टाइजिंग कम्पेन है वो इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है कि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा जो उसके जो कैलिबर है वो बहुत पुअर है, उसमें जो सेल्स होती हैं उसमें जो मोटिवेशन लेवल है
सेल करने वालों का, लोगों का, वो काफ़ी लैग कर रहा है, मतलब वो पहुंच नहीं पा रहे हैं लोगों तक, क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही अच्छे से, मतलब अपनी बात को वो प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं अच्छे से। नेक्स्ट है टफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टेंट ब्रांड्स। ये भी हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट ब्रांड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, या डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन है, ये भी रीज़न हो सकता है। तो अब इस जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन भी बताना ज़रूरी है कि इसके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पुअर एडवर्टाइजिंग कंपेन एंड सेकेंडरी कॉजेज, हायर प्राइसिंग, इस तरह के जो कॉजेज हैं इन पे काम करने की ज़रूरत है। सो टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पुअर एडवर्टाइजिंग हमें ये मतलब बताना पड़ेगा, वी हैव टू आंसर क्वेश्चन लाइक वट कैन बी द न्यू एडवर्टाइजिंग कम्पेन, कि आप कुछ नया कम्पेन क्या कर सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन होना चाहिए, या कौन सा मीडिया आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कौन सा चैनल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना जो एडवर्टाइजिंग है वो कर रहे हैं, और किस टाइम पे करना चाहिए ये भी, और ड्यूरिंग विच प्रोग्राम और कौन से प्रोग्राम में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, जिससे कि मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग होती है एडवर्टीजमेंट की वो कौन से प्रोग्राम पर दी जाए, जिससे कि जो आपका लेवल है, जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन अच्छे से हो पाए, और जो इसकी कंडीशन है फ़ोन की सेलिंग की वो इंक्रीज हो सके। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, मतलब कि प्रॉब्लम पे काम करें, पहले उसके कॉज पता करें, उसके बाद उसके सोल्यूशन पे काम करें ताकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च मोस्टली रिसर्च होती है, ये होती है जो इंडिविजुअल कंपनी है इनके द्वारा की जाती है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ डन बाई एन इंडिविजुअल कंपनी फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड बाई इट। जैसे कोई कंपनी है उसमें उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो फेस कर रहे हैं, उस पर कोई वो रिसर्च करवाती हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च, इसको ये अप्लाइड रिसर्च की कैटेगरी में आएंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि बजाज इंटरनेशनल ने एक रिसर्च कंडक्ट किया है जिसमें वो स्टडी करना चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है उनकी कंपनी का, जो उनके कस्टमर हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो किस तरह का है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होगी, क्योंकि पहले हम डिस्कवर करेंगे कि भी क्या जो प्रॉब्लम जो कस्टमर हैं वो इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, तो जो उसके बाद हम सोल्यूशन निकालेंगे कि भाई किस तरह से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अगर कस्टमर की वैल्यूएबल या मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। इसी तरह से कोई भी मतलब जो इस तरह की कंपनीज होती हैं वो अपने इंटरनली रिसर्च करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने कस्टमर के लिए, कि भाई आपको मतलब कि ये स्टडी करनी है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनका या फिर किसी भी चीज़ को लेके वो सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। तो इस तरह की रिसर्च को हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। थैंक यू।